हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन रेंज के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर में हमने फंक्शन के पहले लेक्चर में हमने देखा था, रेंज का डेफिनेशन को देख लिया था कि रेंज क्या है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन रेंज को निकालेंगे। तो अपना पहला तरीका है रेंज को निकालने के लिए, अगर हमें वाई के टर्म में, मतलब एक्स के टर्म में वाई दिया गया हुआ है और वाई की हमें रेंज को निकालनी है, तो अपन कोशिश करेंगे कि एक्स को अपन वाई के टर्म में लिख सकें, ठीक है। एक्स को वाई के टर्म में लिख सके तो फिर वहाँ से आसानी से अपन रेंज बता सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप ग्राफ बना लें तो वो तो सबसे सही रहेगा। अगर ग्राफ बना लेते हैं तो हमें ग्राफ से पता चल जाएगा कि उस फंक्शन की रेंज क्या है। तो चलिए अपन देखते हैं, पहला मेथड ही अभी यूज़ करते हैं कि अपन करेंगे एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, y इक्वल्स लिखा हुआ है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप y इक्वल्स x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 लिखा हुआ। तो हमारा पहला मेथड है कि अपन x को लिख दें y के टर्म में। क्या यहाँ पे लिख पा रहे हैं क्या, देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो y इंटू एक्स माइनस 1 डैट इक्वल्स एक्स प्लस 3, तो यहाँ से हो गया वाई एक्स, और यहाँ से x को लिया है इधर माइनस एक्स, और ये भी माइनस 3, और यहाँ पे माइनस ऑफ वाई। कुछ नहीं किया हमने, बस मल्टीप्लाई किया और इसको इधर ले आए, ठीक है। अब यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लिया तो क्या आया हमारे पास, वाई माइनस 1 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल 0। आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ से अपन एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके गए वाई प्लस 3 हुआ, ठीक है, दोनों टर्म उधर गए वाई प्लस 3, और एक्स को लिखना है तो वाई माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे वाई माइनस 1। तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल्स हो गया हमारे पास वाई प्लस 3 बाई वाई माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिख पाए कि एक्स को वाई के टर्म में लिख पाए, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि एक्स जो है कब डिफाइंड है, एक्स कब डिफाइंड है, यहाँ पे जब वाई नॉट इक्वल्स 1 हो, ठीक है। y इक्वल्स 1 होगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए डिफाइंड नहीं रहेगा। तो हमें y नॉट इक्वल्स 1 होना चाहिए, बाद बाकी हर y की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो अपन बोल सकते हैं तो y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 1, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में। और लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इक्वल्स e की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इसे भी वही करने की कोशिश करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में लिख पाए जिस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करें अपन, यहाँ पे ई है तो ठीक है, एल एन ले लेते हैं ताकि ये ई हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिया हमने एल एन, तो एल एन ऑफ वाई। अब एल एन ऑफ ई की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एल एन का बेस क्या है, ई है, और ये भी ई है, तो पावर जो है सामने आ जाते हैं, ठीक है। हमने देखा है पहले पिछले लेक्चर में, एफ ओ एम वाले लेक्चर में। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ एल एन वाई इक्वस 0। देख सकते हैं आप, इसको हमने कुछ नहीं किया, इस साइड ले आया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है एक्स में, ठीक है। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इक्वस माइनस बी डेट इज 2, ठीक है। माइनस टू का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टू प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डेट इज़ 4, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ए कितना है 1, सी कितना है एल एन ऑफ वाई। आ रही है बात समझ। और नीचे में 2a, ए कितना है 1। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, तो 2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, रूट के अंदर 4 है, बाहर निकालेंगे तो 2 बनकर आएगा, 2 रूट के अंदर 1 माइनस एल एन ए वाई। आ रही है बात समझ में, बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एल एन वाई, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखें तो यहाँ पे ये जो रूट के अंदर है, ठीक है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, तो 1 माइनस एल एन वाई क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर वाले टर्म है। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 माइनस एल एन वाई क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ। तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एन ऑफ वाई। आ रही है बात समझ। तो यहाँ पे बेस क्या है, e है, डेट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम y को लिखें, y लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस जो है 1 से बड़ा है, यही अगर बेस 1 से छोटा रहता तो इनइक्वलिटी को चेंज करते अपन,
ठीक है, तो हमारे पास आ गया वाई लेस देन और इक्वल टू ई। लेकिन अगर बात करें एल एन वाई है, तो वाई हमारा डोमेन क्या होगा वाई का, ठीक है, यहाँ पे एल एन वाई है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू होगा 0 to ∞। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, और फाइनल आंसर को लिखेंगे। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास, y बिलोंग्स टू, जीरो तो इंक्लूडेड नहीं है और e इंक्लूडेड है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, y बिलोंग्स टू, जीरो टू e। हमें ध्यान देना है y लेस देन और इक्वल टू e है, तो ये नहीं कि माइनस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि y जो है ln y है, और ln y में हम देखे हैं डोमेन क्या होता है ln का, जीरो टू इन्फाइनाइट, जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना ही है हर एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलएन वाले में, कोई भी एलएन वाले क्वेश्चन हो या फिर साइन एक्स का ही हो या फिर कुछ भी हो जहाँ पे डोमेन डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो वहाँ पे अपन इंटरसेक्शन लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उससे अपन डोमेन का इंटरसेक्शन लेकर फाइनल आंसर को लिखेंगे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ भी अपन सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एक्स को वाई के टर्म में लिख पाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डैट इक्वस ई की पावर वाई। कैसे लिखा हमने, यहाँ बेस ई है उधर बेस दिया, ई की पावर वाई हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ई की पावर वाई, ठीक है। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है एक्स में, ठीक है, ई की पावर वाई को कॉन्स्टेंट मान लिया हमने, ठीक है, तो अब लिख लेते हैं एक्स इक्वस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी माइनस ऑफ टू प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर फोर माइनस ऑफ फोर ए सी, फोर ए कितना है वन, सी कितना है माइनस ऑफ ई की पावर वाई। आ रही है बात समझ में, ध्यान से देखें आप, ठीक है, नीचे में टू ए कितना है वन, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू प्लस माइनस फोर, फिर से कॉमन लिया हमने, रूट के अंदर फोर था तो बाहर आया तो टू हो गया, और ऊपर में वन माइनस वन प्लस ई की पावर वाई, ठीक है, बाय टू, तो ये हो गया माइनस ऑफ वन प्लस माइनस रूट ओवर वन प्लस ई की पावर वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये जो वन प्लस ई की पावर वाई है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो वन प्लस ई की पावर वाई, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव और या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दें ई की पावर वाई क्या होता है, ई की पावर वाई हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, आप देख सकते हैं ग्राफ देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, तो e की पावर y पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव है और वन तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और जो वो भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा कोई भी वैल्यू ऑफ y के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं y बिलोंग्स टू r इज द आंसर, ठीक है, यहाँ पे देख के बता दिए कि कोई भी y की वैल्यू रखें ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा फाइनल आंसर आ गया फिर तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे फिर से सेम उसी मेथड को यूज़ करेंगे अपन, x को y के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया y e की पावर 2x प्लस 1 और ये हो गया e की पावर 2x माइनस 1। आ रही है बात समझ, इधर e की पावर 2x को ले आते हैं, तो ये हो गया y e की पावर 2x माइनस ऑफ e की पावर 2x और प्लस y प्लस 1। आ रही बात समझ में, कुछ नहीं किया इसको इधर ले आए और इसे ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे e की पावर 2x, e की पावर 2x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ आ गया y माइनस 1 और ये हो गया माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 1 हो गया ये, तो अब यहाँ से e की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा y प्लस 1, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया और ये नीचे डिवाइड कर दिया हमने। आ रही बात समझ, तो ये हो गया y प्लस 1 बाय माइनस को नीचे में एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे में, तो ये e की पावर 2x आ गया हमारे पास y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस वाई। अब यहाँ से क्या करें x निकालने के लिए, ln ले लेते हैं, e है यहाँ पे तो ln लिया हमने, तो ये हो गया 2x ln ऑफ y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई। आ रही है बात समझ में, अब यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा हाफ ऑफ ln y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई, ठीक है, x को हमने लिख दिया y के टर्म में, अब बस हमें y की वैल्यू को बताना है, ठीक है, y कहाँ डिफाइन है, तो यहाँ पे देखें ln ऑफ y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई है, तो यहाँ पे ln में है तो क्या होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0, तभी तो ये डिफाइन होगा ln के अंदर में है, तो ठीक है वही कर देंगे, तो y प्लस 1 बाय 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। आ रही बात समझ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ऊपर से आया माइनस 1 नीचे से आया 1,
वन से ज़्यादा रखें कोई वैल्यू, फाइव रख लेते हैं, तो फाइव रखें तो फाइव प्लस वन सिक्स पॉजिटिव, वन माइनस फाइव माइनस फोर डैट इज़ नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव आ गया तो ठीक है। वन है, वन में इसके पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है ऑड टर्म है, वन है तो साइन चेंज हो जाएगी, हम लोग देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ऑड पावर रहती है तो साइन चेंज होती है, इवन पावर होती है तो साइन सेम रह जाती है। और फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वन था तो इस पे देखेंगे, इसमें भी पावर वन है ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वन पे देखें तो इसमें भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो फिर माइनस हो गया, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारे पास, वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, जहाँ पे माइनस वन और वन इंक्लूडेड नहीं है ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ठीक है। इसी तरीके से बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत होता है कि हम सारे क्वेश्चन को इस मतलब x को y के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी, तब अपन यूज़ करेंगे ग्राफ मेथड का ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वस x प्लस ln x, और x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट दिया गया है, तो x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट दिया गया मतलब क्या, डोमेन दिया गया, ये नहीं भी दिया रहता तो अपन सपोज करते कि हाँ x जो है वो जीरो से इन्फाइनाइट में लाई कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, यहाँ पे x प्लस ln x है और यहाँ पे y है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अलग ही नहीं होगा ठीक है। तो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्राफ मेथड का ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ किस तरीके से इस फंक्शन का बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे dy by dx ठीक है, dy by dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो निकाले तो क्या आया हमारे पास 1 प्लस 1 बाय x ठीक है, ये हमारा dy by dx आ गया। अब x जो है 0 से इन्फाइनाइट के बीच में है, x 0 से इन्फाइनाइट के बीच में, तो अब यहाँ पे देखें ये जो dy by dx है ये क्या कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ठीक है। तो x हमारा 0 से इन्फाइनाइट है, 0 से इन्फाइनाइट अगर यहाँ पे रखें वैल्यू को x की जगह पे 0 से इन्फाइनाइट तक कोई भी नंबर रखें, तो आप देख सकते हैं ये जो dy by dx है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। आप कोई भी नंबर लेकर रख लें, इन्फाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 होगा तो 1 आएगा आंसर, और 0 रखें तो 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट होगा तो इन्फाइनाइट आएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू अगर रखें इन x 0 से इन्फाइनाइट के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखें तो ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आ रही, तो अपन कह सकते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ठीक है। 0 कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं ही आएगा ठीक है, इसलिए हमें ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो अपन को पता चल गया कि dy by dx हमेशा पॉजिटिव है। तो हमें पता है जब dy by dx हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ किस नेचर का होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर का होता है, हमने देखा है ग्राफ वाले पार्ट में ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं FYM में ठीक है। तो अब देखें तो ये dy by dx पॉजिटिव आ गया हमेशा, तो ग्राफ जो है इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा ठीक है। अब ग्राफ बनाना है हमें, ये ओरिजिन है ठीक है, तो अपन ध्यान देंगे 0 से इन्फाइनाइट के बीच में ही ग्राफ बनेगा क्योंकि वहीं पे डिफाइन है, तो 0 से इन्फाइनाइट के बीच में ही ग्राफ बनेगा, इधर कुछ पार्ट नहीं आएंगे ग्राफ के ठीक है। तो 0 है ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस की, ये क्या है x टेंडिंग टू 0 प्लस, x से थोड़ा सा पहले ठीक है, ये 0 से थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, x टेंडिंग टू 0 प्लस, x 0 के थोड़े से राइट वाले पोर्शन पे ग्राफ कहाँ टेंड्स कर रहा है, तो 0 प्लस पे ln x क्या क्या होता है ग्राफ, 0 प्लस पे कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है ln x का। तो 0 प्लस पे देखें तो ln x का माइनस इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है, देख सकते हैं 0 से थोड़ा सा पहले मतलब राइट साइड में 0 के, तो माइनस इन्फाइनाइट को टेंड्स कर रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे भी ln x है तो यहाँ पे तो ये माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच किया, और x जो है वो 0 प्लस है तो ये तो 0 प्लस ही रहा ठीक है, जो वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू रही, और ln x जो है वो माइनस इन्फाइनेट को टेंड्स किया, तो ओवरऑल क्या हो गया माइनस इन्फाइनेट को ही टेंड्स किया। तो मतलब कुछ यहाँ से ग्राफ जो है हमारा टेंड्स करना स्टार्ट होगा ठीक है। और अगर आप देखें इन्फाइनाइट पे देख लें एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे कहाँ होगा, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट से ln x क्या आ रहा है प्लस इन्फाइनाइट को टेंड्स कर रहा है ठीक है। अगर x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रहा तो y टेंडिंग टू भी इन्फाइनाइट रहता है ln x के लिए ठीक है। तो यहाँ पे भी ln x है तो x को इन्फाइनाइट रखे तो ये तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और x जो है वो खुद इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल कहाँ प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा ठीक है। आ रही बात समझ, तो अब यहाँ से अपन देख के बता देंगे कि इसका रेंज क्या है ठीक है। तो यहाँ से देखें तो y बिलोंग्स टू आ जा रहा है हमारे पास r ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या आ जा रहा है r आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट।
ठीक है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ग्राफ को बनाना है और रेंज बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स x प्लस 1 बाई x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r माइनस 0 दिया गया। ठीक है, ये डोमेन बोल सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन x को y के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे फिर, वही ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले dy बाई dx को निकालेंगे। तो dy बाई dx हमारे यहाँ से क्या आ रहा है, 1, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dy बाई dx है। ठीक है, तो ये अब बोल सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं dy बाई dx पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव है, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस 0 है, तो यहाँ पे dy बाई dx पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, वो इंटरवल अपन निकालेंगे। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन 0 मान के कर लेते हैं, वहाँ से नेगेटिव वाले भी पार्ट आ जाएंगे कि नेगेटिव कब होंगे। तो यहाँ से देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन 0 भी होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल 0 होगा, लेकिन एक्स तो 0 है ही नहीं, 0 से 0 को हटाया हुआ है हमने डोमेन से ही, तो इसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये कहीं माइनस 1, ये कहीं 1, 1 से ज़्यादा रखें तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन अब यहाँ से बात कर सकते हैं, नेगेटिव होगा माइनस 1 से 1 के बीच में, और 1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, माइनस 1 से कम रहेगा तो पॉजिटिव। तो मतलब 1 से अगर ज़्यादा में ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, और 1 माइनस 1 से कम में भी ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो अब हमें बात करनी है माइनस 1 से 1, ठीक है, इसमें तो डिक्रीजिंग नेचर का होगा, लेकिन किस तरह का ग्राफ बनेगा वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, और 1 यहाँ कहीं है, 1 यहाँ कहीं है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 को रखे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 पे वैल्यू जो है वो 2 आ रही है हमारी, और माइनस 1 कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, और माइनस 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 1, और यहाँ पे भी माइनस 1, माइनस 2 आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं किया, माइनस 1 को रख के देख लिया कि क्या वैल्यू आ रही है, तो माइनस 2 आ रही है। ठीक है, माइनस 1 पे माइनस 2 आ रही है और 1 पे 2 आ रही है, और 1 के बाद ग्राफ जो है इंक्रीजिंग नेचर का है, तो बना देते हैं इंक्रीजिंग नेचर का, कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा, और माइनस 1 के पहले भी जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, माइनस 1 से पहले भी ग्राफ जो है इंक्रीजिंग नेचर का है, तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा ग्राफ। ठीक है, अब बात करेंगे माइनस 1 से 1 के बीच में। ठीक है, माइनस 1 से 1 के बीच में किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब 0 के जस्ट थोड़े राइट में, 0 के जस्ट थोड़े राइट में। ठीक है, ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे रख कर देखेंगे, तो 0 प्लस में रखें तो x तो 0 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 बाई 0 प्लस, तो 1 बाई 0 प्लस किसके इक्वल होता है, 1 बाई 0 प्लस प्लस ऑफ इन्फाइनेट के इक्वल होता है। ठीक है, अप्रोच करता है प्लस इन्फाइनेट को, और 1 बाई 0 माइनस किसको करता है, माइनस इन्फाइनेट को, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 1 बाई 0 प्लस प्लस इन्फाइनेट, 1 बाई 0 माइनस माइनस इन्फाइनेट, और 1 बाई 0 एग्जैक्ट 0 है तो मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 0 प्लस पे बात करें, मतलब ये यहाँ पे कहीं बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फाइनेट को अप्रोच कर रहा है, और इन्फाइनेट कहाँ है, कुछ यहाँ है। ठीक है, तो ग्राफ वहाँ पे है, और ग्राफ किस नेचर का बनेगा, डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, डिक्रीज भी कर रहा है, और कहाँ से आ रहा है, प्लस इन्फाइनेट से आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे 0 माइनस के लिए, मतलब 0 के लेफ्ट में थोड़ा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे रखें, तो 0 माइनस में तो ये 0 माइनस हो गया, प्लस 1 बाई 0 माइनस, 1 बाई 0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फाइनेट को होता है। ठीक है, तो माइनस इन्फाइनेट कहाँ है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ यहाँ से ग्राफ जो है स्टार्ट होगा, और ग्राफ किस नेचर का बनेगा, ग्राफ जो है डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा। ठीक है, ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा, तो यहाँ से इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज कर गया, तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ दिखेगा x प्लस 1 बाई एक्स का। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ है। अब बस इस ग्राफ को देख के अपन आराम से बोल सकते हैं कि ग्राफ का रेंज क्या है। ठीक है, फंक्शन का रेंज क्या है, तो अब यहाँ पे बोलेंगे, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देख कर बताइए, तो y बिलोंग्स टू कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है, नीचे से, माइनस इन्फाइनेट से, तो माइनस ऑफ इन्फाइनेट। ठीक है, माइनस इन्फाइनेट से इंक्लूड नहीं होगा, से माइनस टू, माइनस टू क्या इंक्लूड होगा, हाँ होगा, क्योंकि माइनस टू है आ रहा है। यूनियन, यूनियन फिर कहाँ से, टू से इन्फाइनेट, यूनियन टू से इन्फाइनेट। ठीक है,
तो माइनस टू से टू के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं वो हमारे इंक्लूड नहीं होंगे वाई के अंदर, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत आसानी से ग्राफ बना सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन के ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इक्वल्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अपन क्या बताना है, इसके रेंज को बताना है। ठीक है, तो सेम अपन ग्राफ को बना लेंगे और फिर रेंज के बारे में बात करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, इस तरह के फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स किस तरीके से निकालते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में, और फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ टू एक्स। ठीक है, और फिर ये एज इट इज़ सेम लिखना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, और फिर न्यूमरेटर में जो है उसको सेम लिखना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब अपन क्या करेंगे आगे, ये हो गया माइनस ऑफ टू एक्स, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब, और ये माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ टू एक्स क्यूब। देख सकते हैं आप, सही लिखा है हमने, आगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस ऑफ फोर एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक ही नेचर का नहीं आया, मतलब या तो सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं आया या फिर नेगेटिव ही नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव होगा कुछ इंटरवल के लिए, कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव होगा, तो कोई नहीं, वो अपन निकाल लेंगे कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट मिल रहा है, एक एक्स इक्वल जीरो ही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, हमेशा ये पूरा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक ही पॉइंट मिल रहा है एक्स इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल जीरो मिल रहा है तो यहाँ कहीं जीरो हो गया। ठीक है, अब जीरो से कोई नंबर ज़्यादा रख रहे हैं, सपोज कीजिए फाइव ही रख लेते हैं, फाइव रखें तो ये फाइव फोर ज़ा 20 और ये तो पूरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे सामने में माइनस साइन लगा हुआ है तो यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक्स की पावर क्या है, वन है, ऑड है, तो पावर मतलब इंटर साइन चेंज हो जाएगी, तो हम देख सकते हैं माइनस इन्फाइनेट से जीरो में ग्राफ, ये डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और जीरो से इन्फाइनेट के लिए ग्राफ जो है वो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब अपन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कहीं ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो अब देख लेंगे एक्स इक्वल जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, एक्स जीरो रखें तो वाई की वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, एक्स जीरो रखें तो वाई की वैल्यू आ रही है वन, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन के इक्वल ही है। ठीक है, आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर कर देख लें। ठीक है, वहाँ से पॉइंट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और उसको उसमें पुट करके देखेंगे तो यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू को देता है। ठीक है, जीरो कॉमा वन हमारा पॉइंट आ गया। अब आगे बात करेंगे, जीरो से आगे जाएं तो ग्राफ जो है किस नेचर का होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जीरो के पहले देखें तो जीरो के पहले देखें तो ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एक्स के मतलब जीरो एक्स पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं क्या होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा, तो ग्राफ को डिक्रीज करा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक्स जीरो के पहले क्या होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज करा देते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास वन और ये माइनस वन। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये वन कॉमा जीरो है और ये माइनस वन कॉमा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा है कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, हमें तो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तो पता है वन है, लेकिन नीचे कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट को टेंड्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अपन देखेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे क्या वैल्यू आ रही है, एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे हमारा वैल्यू क्या होगा इसका। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा लिमिट का यूज़ आएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट के लिए, ठीक है, लिमिट का यूज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे ही बात कर लेंगे इस पर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखना, तो अपन यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट डायरेक्ट पुट कर दे तो वन माइनस इन्फाइनाइट बन जाएगा बाई वन प्लस इन्फाइनाइट बनेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करेंगे इसको सिंपल, अभी लिमिट हमने पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ऊपर हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस ऑफ वन बाय वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस डिवाइड किया है हमने एक्स स्क्वायर से। ठीक है,
अब बस इन्फाइनाइट को रखकर देखेंगे यहाँ, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन ऊपर बना और नीचे क्या बना, वन अपॉन इन्फिनिटी फिर से जीरो प्लस वन, तो ऊपर बन गया माइनस वन अपन प्लस वन, क्या वैल्यू आ रही है, माइनस वन के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे देखें x जब इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, x जब इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो y क्या कहाँ जा रहा है, माइनस वन पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब x टेंड टू माइनस इन्फाइनाइट पे देख लेते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं माइनस इन्फाइनाइट यहाँ पे कर दिया हमने, माइनस इन्फाइनाइट कर लिया ठीक है, और यहाँ भी माइनस इन्फाइनाइट कर लिया। अब यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट को पुट करके देखेंगे, माइनस इन्फाइनाइट को पुट करें उसका स्क्वायर है ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम चीज़ हो गया ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन के इक्वल आती। तो अपन देख सकते हैं x इन्फाइनाइट पे जब जा रहा है तो y माइनस वन को टेंड्स कर रहा है, और जब x माइनस इन्फाइनाइट पे जा रहा है तो y फिर से माइनस वन को ही अप्रोच कर रहा है ठीक है। तो ये कहीं हमारा माइनस वन है, मान लेते हैं ये कहीं हमारा माइनस वन है, वाई प्लस माइनस वन है ठीक है, माइनस जीरो कमा माइनस वन ठीक है, यहाँ तक ही ग्राफ जो है अप्रोच कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा ठीक है। ठीक है, और ये चलता गया, माइनस वन नहीं होगा बस अप्रोच करेगा ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इस वाले फंक्शन का ग्राफ बन गया। बस अब यहाँ से अपन रेंज बता सकते हैं, तो y बिलोंग्स टू हमारा फाइनल क्या आ जाएगा ठीक है, y बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास नीचे से देखें तो माइनस वन टू वन, जिसमें माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन वन इंक्लूड है। माइनस वन क्यों नहीं इंक्लूड है, क्योंकि अप्रोच कर रहा है ठीक है, अप्रोचिंग वैल्यू है। तो हमारा आंसर आ गया y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखकर ग्राफ को बनाना है, थोड़ा बहुत लिमिट का यूज़ आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जिस तरीके से देखें ये वाले को, इसमें कोई लिमिट देखना है नहीं, बस डिवाइड किया हमने, वैसे वैल्यू पुट किया है ठीक है, और बाद बाकी तो लिमिट में पढ़ेंगे ही अपन ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स रूट के अंदर ln ऑफ ln x ठीक है, और x ग्रेटर देन e दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके भी के भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे हमको ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत आएगी और x को y के टर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करें ठीक है, किसी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए सेम इसी प्रोसीजर से करना है ठीक है, जिस प्रोसीजर से हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ln x है ना, इसको क्या करेंगे, कुछ एज्यूम कर लेंगे, सपोज ये z एज्यूम कर लें, तो z इक्वल्स ln x ठीक है, ये ln x को, ये अंदर वाला ln x को z एज्यूम किया है ठीक है, और x हमें बोला है e टू इन्फाइनाइट है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपन z की वैल्यू बता सकते हैं, x बिलोंग्स टू जब e टू इन्फाइनाइट है तो यहाँ से z की वैल्यू बता सकते हैं, तो z बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ln e कितना होता है, 1 होता है ठीक है, e लेकिन इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट ln e 1 हो गया ठीक है। ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होता है ठीक है, इसलिए मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ln इन्फाइनाइट कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ से x बिलोंग्स टू e टू इन्फाइनाइट था तो z बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हमारा हो गया y इक्वल्स रूट ऑफ ln z, देख सकते हैं आप यही लिखा हुआ है ठीक है। तो अब अपन आगे क्या करेंगे, इस ln z को कुछ फिर से एज्यूम कर लेंगे, ln z को अपन एज्यूम कर लिए p सपोज कर लेते हैं ठीक है, ये मान लेते हैं। तो हमें z दिया हुआ है, z बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या p की वैल्यू निकाल सकते हैं, p कहाँ पे लाई करेगा, हाँ बता सकते हैं सेम उसी तरीके से। तो ln 1 प्लस क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ln 1 0 होता है ठीक है, और ln इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होता है। तो p बिलोंग्स टू आ गया फिर से हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे आप बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है फिर से हमारे पास, ln ऑफ p, देखिए यही तो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं y इक्वल्स रूट ऑफ ln p लिख सकते हैं ठीक है। और p क्या है, 0 टू इन्फाइनाइट, p जो है 0 टू इन्फाइनाइट। अब अपन क्या करेंगे, ये जो ln p है इसको भी फिर कुछ एज्यूम कर लेंगे, सपोज कीजिए t एज्यूम किया, t इक्वल्स ln p और p हमारा है 0 टू इन्फाइनाइट। तो अब यहाँ से क्या t की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्या होगा, p 0 प्लस, p को यहाँ पे पुट करें 0 प्लस, ln ऑफ 0 प्लस माइनस इन्फाइनाइट ठीक है, ग्राफ से देखें अपने ठीक है, ln ऑफ 0 प्लस इज माइनस इन्फाइनाइट और ln ऑफ इन्फाइनाइट इज इन्फाइनाइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया t बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स रूट टी और टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है t क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ठीक है, रूट के अंदर है। तो बस अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो t बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट
ठीक है। टी बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट आ गया, मतलब वाई भी जीरो से इन्फाइनाइट आ गया। ठीक है, जीरो रखे टी के जगह में तो जीरो आएगी, इन्फाइनाइट रखे तो इन्फाइनाइट आएगी। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, बस एज्यूम करते गए। यहाँ पे एल एन ऑफ एल एन इस तरीके से था, यहाँ पे एल एन ऑफ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रह सकता था, उसको आप एज्यूम कर लेते हैं। और फिर उसका तो अपन को मालूम है रेंज निकालना, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखे थे। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इक्वल सिग्न ऑफ एल एन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो हमें बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि एल एन एक्स है तो एक्स कब डिफाइन होगा, एल एन एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमें सिग्नम ऑफ इसके, लेकिन अपने देखा था सिग्नम फंक्शन की जब बात किए थे तो देखा था सिग्नम की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, माइनस वन आ सकती है, या फिर जीरो आ सकती है, या फिर वन आ सकती है। ठीक है, वन आएगी जब ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है तब वन आएगी, जीरो आएगी जब ये क्वांटिटी जीरो है तब जीरो आएगी, और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस वन आएगी। ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी है क्या अभी तो हमें मालूम नहीं है, तभी तो अपन बता सकते हैं रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की बात करेंगे। तो सपोज कीजिए जेड इक्वल्स एल एन ऑफ x प्लस ई की पावर x सपोज कर लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हो गया y इक्वल सिग्नम ऑफ z। ठीक है, z की वैल्यू पता चल गई कि साइन किस तरीके का है, तो अपन बता सकते हैं कि क्या होगा रेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे, तो एल एन एक्स प्लस ई की पावर x, तो ये क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी का ग्राफ बनाया था हमने, कोई नहीं फिर से बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, dz बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर x। ठीक है, नहीं वो ये क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे x था, x प्लस एल एन एक्स था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें x 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब x 0 से इनफाइनाइट है तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए, और ये यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही वैल्यू देगी, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हम कह सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव के इक्वल आ गया। ठीक है, तो dz by dx हमेशा पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्राफ जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो बना लेते हैं ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, देख लेते हैं। तो अब बात करेंगे x ग्रेटर देन जीरो पे ही ग्राफ बनेगा, x ग्रेटर देन जीरो पे ही बात करेगा। ठीक है, तो जीरो जीरो प्लस x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे वैल्यू क्या दे रही है, x टेंडिंग टू जीरो प्लस पे e की पावर जीरो प्लस वन पॉइंट समथिंग होगा, और ln ऑफ जीरो प्लस क्या होता है, माइनस ऑफ इन्फाइनाइट। तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, और एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे देखें तो एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, और एल एन ऑफ इन्फाइनाइट इज ऑल्सो इन्फाइनाइट, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे वाई भी इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया, हमारा ग्राफ पता चल गया, ये ग्राफ बन गया। मतलब यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, ये जो जेड है, जेड जो है वो नेगेटिव भी है, ठीक है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तीनों वैल्यू आ रही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू आ रही है, मतलब वाई जो है सिग्नम ऑफ ये जो जेड है ये क्या आ रहा है, माइनस वन, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब यहाँ से कह सकते हैं वाई किसके इक्वल होगा, वाई माइनस वन जीरो वन तीनों के इक्वल हो सकता है। ठीक है, आ रही है वास्तव में, इसका रेंज तीनों आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप ये सारे क्वेश्चन को फिर से दोबारा करें। ठीक है, और डाउट आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।